అందరికీ నమస్కారం. శివపార్వతుల వివాహం అయింది, అద్భుతంగా జరిగింది. దేవతలందరూ వచ్చారు. ఆ తర్వాత శివపార్వతులకు శోభన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా వేడుకగా జరపటానికి అందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఆ రోజున అందరూ రంగులు చల్లుకొని ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో వైభవంగా జరిపారు. దాన్నే ప్రతి సంవత్సరం కాశీలో రంగ్ భరిదే కార్యక్రమం అని చెప్పి నిర్వహించి శివుణ్ణి అర్చించుకుంటారు. ఈ రోజున కూడా కేదారేశ్వర ఆలయంలో గౌరీ కేదారులకు శోభన వేడుకలు అన్నట్టుగా ఈ కార్యక్రమం, రంగ్ భరిదే కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది. మీరు కూడా ఈ వేడుకల్ని చూసి ధరించండి. ధన్యవాదాలు. Thank you.
यह श्रृंगार मकर संक्रांति के दिन का है। पूरी पतंग और गुब्बारों सजा हुआ था बाबा का दरबार। उस दिन बाबा का प्राकटोत्सव मनाया जाता है। ये हमारे भद्र और सुभद्र जी हैं। इधर शीतला माता हमारी, और यह थोड़ा दूरी पर माँ गौरी का दर्शन, विशेष दर्शन हम लोग करेंगे इनका, क्योंकि ये सुबह शाम ही खुलता है। बाकी और भी विग्रह वहाँ पर स्थापित हैं। गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, ये हमारे भद्र और सुभद्र जी। गणपति जी फिलहाल थोड़ा सा छुपे हुए हैं, बाबा के प्रांगण में चलते हैं। ऐसे देखने की इच्छा हो तो हम लोग यहाँ से काल भैरव को देख सकते हैं। बगल में हमारे दंड पाणी, उनके बगल में हमारे गणपति महाराज, और उसके बाद राज राजेश्वरी, और बगल में ही छोटे से राज राजेश्वर जी हैं हमारे, और उनके बगल में कार्तिकेय जी। फिर आगे चलते हैं, ये नंदी महाराज हैं हमारे, ये भी बड़े विशेष है, ये देख रहे हैं। और जब औरंगजेब आए थे यहाँ पे, तब उनकी सेना ने यहाँ पर प्रहार किया था, और भाले और तलवार की मार से नंदी जी के कमर से रक्तपात हुआ था, और उस रक्त से भंवरे निकले थे, और जिसके कारण उनकी सेना अंदर प्रवेश नहीं कर पाई थी। ये हमारी गौरी माता हैं, यहाँ झांकी दर्शन होता है। सभी मंदिरों के द्वार पर आप देखेंगे तो गणेश जी की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ मोक्ष देने वाली मोक्ष लक्ष्मी है, गणपति महाराज और ये काल भैरव। बाबा हमारे दो भाग बटा हुआ शिवलिंग है यहाँ पर बाबा का, आधे में गौरी और आधे में केदार। पांच लोग हैं इस विग्रह में, इस शिवलिंग में। विशेष प्रकार से बतलाया जाएगा उस विषय में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। నమస్కారం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.